नमस्कार। इस वीडियो में हम ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा और स्कूली शिक्षा में इसके निहितार्थ पर चर्चा करेंगे। आमतौर पर ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा का पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। वास्तव में ऑनलाइन शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक रूप से समर्थित शिक्षण है, जहां शिक्षकों और छात्रों के मध्य वार्तालाप और शिक्षण सामग्री का वितरण मुख्यतः इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जबकि डिजिटल शिक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हो सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों तक पहुंचने और शिक्षा के संप्रेषण के लिए गैर इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों का भी प्रयोग किया जाता है। वर्तमान COVID-19 महामारी और बार बार लॉकडाउन की स्थिति में छात्रों के पास घर से अपनी शिक्षा जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, और उन्हें उपलब्ध बुनियादी डिजिटल ढांचे में भी विविधता है। इस स्थिति में हमें छात्रों तक पहुंचने के लिए सभी संभव इंटरनेट और गैर इंटरनेट आधारित तकनीकों का पता लगाने की आवश्यकता है। जहां तक भारतीय घरों में बुनियादी डिजिटल ढांचे की उपलब्धता का सवाल है, हम भारतीय परिवारों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जिनमें सभी संभव इंटरनेट और गैर इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियां जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, 4G नेटवर्क वाला स्मार्टफोन, DTH या केबल कनेक्शन के साथ टेलीविजन सेट उपलब्ध है। कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन है लेकिन सीमित इंटरनेट है। कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके पास सीमित 3G या 2G इंटरनेट वाला स्मार्टफोन है या इंटरनेट है ही नहीं। कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास DTH या केबल कनेक्शन के साथ घर पर टेलीविजन है। कुछ घरों में रेडियो या रेडियो वाला बेसिक मोबाइल फोन ही है। फिर कुछ दूसरे तरह के घर भी हैं जिनके पास किसी भी तरह की डिजिटल डिवाइस उपलब्ध नहीं है। बुनियादी डिजिटल ढांचे में विविधता के अलावा भारत की विशालता भी डिजिटल शिक्षा के लिए एक रूपी योजना बनाने के रास्ते में बाधा है। भारत में स्कूली शिक्षा के आंकड़े भी यही प्रमाणित करते हैं, जहां 90 लाख शिक्षक और 25 लाख विद्यार्थी हैं, जो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से भी भिन्न हैं। इसीलिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए डिजिटल शिक्षा को लागू करने के लिए डिजिटल शिक्षा का विकेंद्रित नियोजन, कार्यान्वयन और विकास आवश्यक है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, डिजिटल शिक्षा के प्रसार के 3 तरीके हैं। एक ऑनलाइन मोड, दूसरा आंशिक रूप से ऑनलाइन मोड और तीसरा ऑफलाइन मोड। तो इन तीनों तरीकों के तहत विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं। ऑनलाइन के तहत मॉडल 1 में शिक्षक मैसेंजर, स्मार्टफोन और ईमेल के माध्यम से सीखने के संसाधनों को साझा करता है और छात्र पूरी तैयारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के दौरान अपने प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। मॉडल 2 में समय सारणी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाता है। मॉडल 3 में किसी भी अधिगम प्रबंधन प्रणाली यानी LMS के माध्यम से निर्धारित लाइव क्लास का संचालन किया जाता है और छात्र LMS से एकीकृत लाइव सत्र के दौरान मंचों या समूहों के माध्यम से चर्चा में भाग लेते हैं। सभी शिक्षण सामग्री और संसाधन LMS में ही साझा किए जाते हैं
और असाइनमेंट भी LMS के माध्यम से ही जमा किए जाते हैं। दूसरा मोड आंशिक रूप से ऑनलाइन मोड है और इस मोड के तहत भी विभिन्न मॉडल हैं। मॉडल एक में शिक्षक त्वरित मैसेंजर या ईमेल के माध्यम से दीक्षा, ई पाठशाला, NROER, NDL या किसी भी सार्वजनिक रूप से सुलभ मंच पर संसाधनों के लिंक साझा करते हैं। छात्र उन संसाधनों को ऑफलाइन उपयोग के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक आगे की जानकारी और ज्ञान वर्धन के लिए ऑफलाइन की जाने वाली गतिविधियों का भी सुझाव देते हैं। मॉडल टू के तहत शिक्षक छात्रों को भौतिक रूप से उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों और अन्य संदर्भ सामग्री को पढ़ने के लिए कहते हैं और छात्रों के साथ समय समय पर तत्काल संदेश वाहक, फोन कॉल, वीडियो कॉल आदि के माध्यम से विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करते हैं। मॉडल तीन में शिक्षक CD, DVD या पेन ड्राइव में संदर्भ सामग्री जैसे वीडियो लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, सिमुलेशन इत्यादि छात्रों को देते हैं। शिक्षक सुविधा अनुसार सप्ताह में एक बार या अधिक ऑनलाइन आकर छात्रों की शंकाओं और प्रश्नों का समाधान कर विषय वस्तु स्पष्ट करते हैं। ऑफलाइन तरीके के तहत टेलीविजन, रेडियो या सामुदायिक रेडियो आदि के माध्यम से संसाधन प्रसारित किए जाते हैं जो इंटरनेट पर निर्भर नहीं है। भारत में अधिकांश घरों में टेलीविजन के साथ साथ DTH या केबल नेटवर्क उपलब्ध है, इसलिए TV के लिए भी तीन मॉडल उपलब्ध हैं। मॉडल एक में कक्षावार और विषयवार संसाधन जैसे स्वयं प्रभा, वंदे गुजरात, विक्टर चैनल या मन्ना TV आदि जैसे TV चैनलों पर प्रसारित होते हैं। मॉडल दो में कक्षा और विषय के अनुसार संसाधन जैसे वीडियो लेक्चर, प्रदर्शन, कहानियां आदि को पेन ड्राइव जैसे भंडारण उपकरणों द्वारा छात्रों के साथ साझा किया जाता है। संसाधनों को छात्रों द्वारा अपने घरों में उपलब्ध नए प्रकार के टेलीविजन सेटों के माध्यम से देखा जाता है। मॉडल तीन, जहां TV भी छात्रों के पास उपलब्ध नहीं है, पंचायत घर कार्यालय या सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध सामुदायिक टेलीविजन का उपयोग सामूहिक शिक्षा के लिए किया जा सकता है। रेडियो का उपयोग करने वाले भी कुछ मॉडल हैं। यह शायद सबसे कम लागत वाला माध्यम है, खासकर उस स्थिति में जब TV भी उपलब्ध नहीं है या जब बिजली की आपूर्ति अनियमित होती है। रेडियो आधारित मॉडल एक के तहत कक्षा अनुसार या विषय अनुसार ऑडियो सामग्री को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा समर्थित रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। मॉडल टू के तहत सामुदायिक रेडियो या FM रेडियो चैनल शिक्षण अधिगम संसाधनों का प्रसारण करते हैं और कई बार स्थानीय जरूरतों के हिसाब से उन्हें ढालते भी हैं। मॉडल तीन में जहां छात्रों के पास रेडियो भी उपलब्ध नहीं है, पंचायत संघ कार्यालय में या सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध सामुदायिक रेडियो का प्रयोग करते हुए सामूहिक रूप से छात्रों को शिक्षित किया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा के बारे में कई गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि ऑनलाइन सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन के माध्यम से शिक्षण अधिगम ही एकमात्र तरीका है जिससे बच्चों की शिक्षा को समर्थित किया जा सकता है या इंटरनेट पर ही भौतिक कक्षा जैसा वातावरण पैदा किया जाना है। बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए यहाँ आप पूर्व प्राथमिक, उच्च माध्यमिक
और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनुशंसित स्क्रीन समय देख सकते हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए अभिभावकों के साथ आधे घंटे वार्तालाप काफी है। कक्षा एक से बारहवीं के लिए अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो NCERT द्वारा निर्मित है उसको जारी किया जा सकता है। कक्षा एक से आठ के छात्रों के लिए 30 से 45 मिनट से अधिक ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसी तरह कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के लिए 30 से 45 मिनट के 4 से अधिक कक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रभावशाली डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों को अपने आप को एक नई भूमिका में ढालना आवश्यक है, जहां वह स्वयं को प्रभावशाली शिक्षण के डिजाइनर, साझेदार, समुदाय निर्माता और प्रभावशाली शिक्षण को अंजाम देने वाले कार्यकर्ता के रूप में सुदृढ़ रूप से विकसित कर सके। इसके अलावा शिक्षकों को साइबर रक्षा और सुरक्षा की बारीकियों से भी स्वयं को और छात्रों को अवगत कराना आवश्यक है। धन्यवाद।